अशांत यमन में फंसे सैकड़ों भारतीयों की देश वापसी के लिए केंद्र सरकार ने पहल करते हुए सोमवार की सुबह अपने यात्री विमान को रवाना किया। खाड़ी देश में अराजक हालात पैदा होने के मद्देनजर भारत सरकार के अपने नागरिकों को वहां से लाने के फैसले के ठीक बाद ये कवायद शुरू की गई। दिल्ली से 180 सीटों वाले एयरबस A320 विमान को सुबह 7:45 पर रवाना किया गया। अपने नागरिकों की सही सलामत वापसी के लिए सोमवार को दो यात्री पोत जिबूती बंदरगाह भी भेजे गए हैं। इन पोतों में कुल 1200 यात्री सवार हो सकते हैं। पोतों को जिबूती बंदरगाह पहुंचने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगेगा। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को बताया था कि भारत को अधिकारियों से प्रतिदिन 3 घंटे के लिए सना से विमान संचालन की अनुमति मिली है। शनिवार को 80 भारतीय सना से जिबूती के लिए रवाना हुए थे, जो भारतीय मिशन की मदद से घर वापसी करने में कामयाब रहे। हमने दोहा के लिए जिबूती से विमान को पकड़ा। सबसे पहले वहां फंसे लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। यदि हम सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंधों का इस्तेमाल कर सके तो हमें रास्ता मिल सकता है। विदेश मंत्रालय ने यमन की स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। सना सहित यमन के विभिन्न प्रांतों में करीब 3500 भारतीय हैं, जिनमें अधिकतर नर्स हैं। 400 इंडियन नेशनल्स आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम एडन बाय द सी रूट। वी आर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ अ लोकल शिप व्हिच विल मूव दीज इंडियन नेशनल्स फ्रॉम एडन to Djibouti. The Minister of State for External Affairs, General V.K. Singh, will be flying to Djibouti to oversee the operations from there. उधर भारत की ही तरह चीन ने भी अपने नागरिकों की वापसी के लिए एक पोत को रवाना किया है। यमन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उसके कुछ नागरिक युद्ध प्रभावित क्षेत्र से इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब रहे। अरब सेना ने 5वें दिन भी यमन की राजधानी के नजदीक हवाई हमले किए। वहीं अरब नेताओं ने ईरान समर्थित विद्रोहियों को उस वक्त तक खदेड़ने का संकल्प लिया जब तक कि वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। यमन में शिया मिलिशिया और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की वफादार सैन्य इकाइयों ने देश के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसके कारण वहां के राष्ट्रपति आबिद रब्बो मंसूर हादी को सऊदी अरब भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिया मिलिशिया को हुदी के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी के नेतृत्व वाले करीब 10 देशों के गठबंधन ने यमन पर बमबारी शुरू करते हुए कहा है कि हुदी और उसके सहयोगियों पर निशाना बना रहे हैं। सऊदी के नेतृत्व वाले 10 देशों के गठबंधन ने यमन पर बमबारी शुरू करते हुए कहा है कि वह हुदी और उसके सहयोगियों पर निशाना बना रहे हैं। डीडी न्यूज़।